बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ में तमाम सब्सक्राइबर साथ खैरियत से खुशी ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह ताला आपको औलाद की खुशियाँ देखना नसीब करें, आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा प्लीज़। और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का हलवा, बेसन की कतली भी बोल सकते हैं, बेसन का हलवा भी बोल सकते हैं। तो यह मैंने बेसन लिया था 2 कप, तो 2 कप बेसन लिया था। इसमें मैं दूध डालूंगी 1 टीस्पून, और दूध के साथ ही मैं इसमें डालूंगी सिनेमन पाउडर। मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, ये मैं डालूंगी इसके अंदर। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, मुझे इलायची का पाउडर सूट नहीं करता तो मैं ये डालूंगी। और यहाँ पर मैंने लिया ऑयल 2 टीस्पून। तो अभी हम शीरा बना लिए, मैंने लिए यहाँ पर एक पैन। इसमें मैं डालूँगी 1 कप चीनी और 1 कप पानी, 1 कप और थोड़ा सा पानी डालेंगे। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर 1 चुटकी। अगर दालचीनी का पाउडर आपको सूट नहीं करता है, पसंद नहीं है, तो आप इलायची भी डाल सकती हैं, तो आप 2 इलायची का पाउडर बना के वो भी डाल सकती हैं। ये हमने चढ़ा दिया है, इसे मैं मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद मैं इसे छोड़ दूँगी, एक तार का शीरा बना लेंगे और इसे फिर यूज़ करेंगे। तो अभी हम इसे मिक्स करेंगे और छोड़ देंगे, शीरा बनता रहेगा। यहाँ मैंने बेसन में तेल डाला है 2 टीस्पून बेसन में मैंने तेल डाला है, और मिल्क डाल देंगे, और इसमें थोड़ा सा मैं सिनेमन पाउडर डालूंगी। ये देखिए, ये तीनों चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद दोनों हाथ से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसे छान लूँगी। यहाँ देखिए, हमने बेसन को छान लिया है। छानने के बाद इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसे साइड में रख दूँगी। यह मैंने 1/2 कप घी लिया है। घी हम पैन में डालेंगे और इसे गरम करेंगे। गरम करने के बाद बेसन इसमें डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे, अच्छी तरह भून लेंगे। यहाँ पे मैं बेसन भून रही हूँ। बेसन को इतना भूनेंगे कि इसमें से खुशबू आने लगे। तो अभी हम अच्छी तरह बेसन को भून लेंगे। ये देखिए, हमारा शीरा भी रेडी हो गया है, और ये हमने एक तार का बनाया है। तो बेसन को अभी हम भून रहे हैं और इसमें से अच्छी गया है। अब हम इस शीरा को बेसन में डाल देंगे। बेसन में से अच्छी अच्छी खुशबू आती है, बेसन अच्छी तरह भून गया था। अब हमें इसमें डाल के अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसकी गुठलियाँ अगर पड़ गई हैं तो इसे हम अच्छे से चमचे से ख़त्म कर देंगे, और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे हम ट्रे में निकाल लेंगे। ये अच्छा सा भुन गया, ये पैन छोड़ रहा है, पैन छोड़ रहा है, तो हम अब इसे निकाल लेंगे। ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, तब हम इसे निकाल लेंगे। हमने यहाँ पर एक ट्रे ली है, ट्रे में हमने थोड़ा सा घी लगा लिया है। अब हम इसे निकाल लेंगे ट्रे में। हमने ट्रे में निकाल लिया। मैं इसे पूरे पैन में फैला दूंगी, अच्छी तरह फैला देंगे पूरे पैन में। फिर इसके ऊपर मैं इसे फिर मैं गार्निश कर लूँगी खोपरे से, खोपरा बादाम पिस्ता डाल के हम इसे गार्निश कर लेंगे। इसके ऊपर खोपरा डाल दिया और बादाम पिस्ता डाल दिया। बादाम पिस्ता डालने के बाद थोड़ा सा हम इसको दबा देंगे, थोड़ा सा सेट कर देंगे। सेट करने के बाद इसे हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, और फिर मैं इसे काट लूँगी। यहाँ पे ये हमारा बिल्कुल रेडी है, और आप भी बनाइएगा इसे इस स्टाइल में, और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। अगर आपको इसको इसका कलर पसंद है तो थोड़ा सा शीरे में कलर भी डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला, मैंने बिल्कुल ऐसे ही रखा है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम है, सब फॉलो कीजिएगा, देसी अमेरिकन मॉम ब्लॉग। लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके लाइक का कमेंट्स का इंतजार रहता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।